हाय एवरीवन, जब भी आप कोई शिपमेंट प्लान करते हैं, आइदर दी एफसीएल शिपमेंट और दी एलसीएल शिपमेंट, तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो भी कार्गो, जो भी शिपमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप सबसे पहले उसका सीबीएम कैलकुलेट करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी मटेरियल आप शिप करने जा रहे हैं वो कितनी स्पेस या कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा वर्सेस जो कंटेनर बॉक्स है उसमें आपके पास कितनी स्पेस जो है वो अवेलेबल है। शिपमेंट्स की स्पेस कैलकुलेशन के लिए हम CBM का यूज़ करते हैं एंड CBM स्टैंड्स फॉर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को कैलकुलेट करने का इजीएस्ट वे ये है कि जो भी मटेरियल, जो भी कार्गो, जो भी शिपमेंट आपके पास अवेलेबल है उसके एक कार्टन का और एक केस का आप लेंथ, विड्थ और हाइट इन मीटर्स एक साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट दी CBM। फॉर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल के एक मटेरियल हमने मूव करना है, फॉर सपोज वो 150 केसेस हो सकते हैं और उसका जो एक कार्टन है या जो एक केस है उसकी जो लेंथ है दैट इज 3 मीटर, विड्थ इज 4 मीटर एंड द हाइट इज 2 मीटर। यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज फिगर्स, तो 3 × 4 × 2 द आंसर इज 24 CBM। दिस इज द CBM ऑफ वन केस। फॉर सपोज हमने एग्जाम्पल ली थी 150 केसेस की, तो हम इसको 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट इज अराउंड 3600 CBM ऑफ एंटायर शिपमेंट, जो कि एक अच्छी खासी ह्यूज क्वांटिटी बनती है। बट यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब भी आप CBM कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंड कि आप मीटर्स में वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना लें। रीज़न इज़ कि जो एक्यूरेसी है वो मीटर्स में फिर लो होती है। तो जब भी आप CBM कैलकुलेट करें तो द इजीएस्ट वे इज़ कि आप या तो सेंटीमीटर्स में लें या तो इंचेस में लें। फॉर सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अब की बार हमने 200 केसेस जो है वो शिप करने हैं। अगेन द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ इज 30 इंचेस, विड्थ इज 12 इंचेस एंड द हाइट इज 15 इंचेस ऑफ वन केस। इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंचेस को डिवाइड करना पड़ता है 39.37 से। रीज़न इज़ कि एक मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। नाउ वी विल डिवाइड द इंचेस विद 39.37 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 39.37 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 39.37 0.36 0.76 0.76 0.30 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
0.76 मल्टीप्लाई बाय 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.38। द आंसर इज 0.086। दिस इज द CBM ऑफ ईच कार्टन और केस। वी हैव टू शिप 250 केसेस फॉर सपोज, तो इसको अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से एंड यू विल गेट द आंसर 21.66 CBM ऑफ 250 केसेस। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द CBM। क्या आप, पहला फॉर्मूला तो ये है कि आप उसे मीटर में कैलकुलेट कर लें, ये क्विकेस्ट वे है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगरचे तो आप डायरेक्ट मीटर्स में इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक्यूरेसी का लेवल जो है वो थोड़ा लो होता है। तो इट इज़
मोर बेटर और इट इज़ फार बेटर कि अगरचे तो आप इसे पहले सेंटीमीटर्स में या इंचेस में जो है वो कैलकुलेट करें, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो या तो आप सेंटीमीटर्स में ले लें या तो इंचेस में ले लें, देन आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।